लाउंज की वीडियो सब खराब हो जाएगी। इस झूले में बैठने में मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि मैं ना झूले से गिर चुकी थी। रुक गया मैं, हाँ मैं एक बार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। लताहा देखो, इस झूले पे बैठ, मैं फर्स्ट टाइम जब इस झूले पे बैठी थी तो मैं गिर चुकी थी, गिर गई थी ना। तो अब जब भी मैं इस पे बैठती हूँ मुझे डर लगता है। बरीरा और ताहा मुझे पूरा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मारूंगी मैं, मोबाइल फेंक दूंगी। तुम क्यों हिला रहे हो? मैं बैठ चुकी हूँ झूले पे और मेरी एक और वीडियो का मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है। हाँ तो मुझे गिराओ गया ना, तुमने पहले भी गिराया था ना मुझे, क्या हो गया? आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे घर में हमारे एक और फैमिली मेंबर का भी यूट्यूब चैनल है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और विजिट कीजिएगा चैनल। वो खोलो लाइट वाली लाइट और ये है चैनल की ऑनर। दिखा, लाइट्स ऑन कर दो। फातिमा, ये किसका रूम है? ये फातिमा के चाचू का रूम है। फातिमा इधर है, चलो वो बाल्टी को बता। साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही हूँ और मैंने कुछ रखा हुआ है चूल्हे पे और मेरा जो है सारा ध्यान वीडियो पे है। मेरा हो सकता है कि मेरा खाना जल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो मैं अभी चेक करके आती हूँ। जब तक आप ताहा से बातें करें, ताहा ही क्या करोगे? ताहा का कल पेपर है और मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ। सुबह से आतिफ भी और मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में, मैं और आतिफ इतनी ज़्यादा टेंशन में। अगर टेंशन नहीं है तो सिर्फ एक शख्स और वो है ताहा। ताहा आपको आपके पेपर की टेंशन क्यों नहीं? क्योंकि हमने आपकी टेंशन नहीं ली है, क्योंकि हर बार ही मेरा पेपर अच्छा ही है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ताहा का अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन मैं मेरी कोशिश ये होती है कि ताहा का अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। तो इसी कोशिश में जो है मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ और ताहा को जो है बहुत कोशिश कराती हूँ कि ताहा की पढ़ाई अच्छी हो जाए। अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि सुबह से ताहा की पढ़ाई स्टार्ट थी, तो अभी तो थोड़ा सा ब्रेक लिया ताहा ने ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मेरा ए ग्रेड आता है हर वक्त, जब भी मैं स्कूल जाती हूँ ना ए ग्रेड आता है। जब भी पेपर होते हैं, फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, देखना ए ग्रेड आएगा और मैं आपको दिखा भी दूँगी। जो डांस परफॉर्मेंस कर रही थी ये मैंने जस्ट रिकॉर्ड इसलिए किया है कि ताकि मैं इनके बाबू को दिखा सकूं कि इनमें कितना टैलेंट है, वो पहचान नहीं लाती और वो भी खुश हो जाए इसका ये टैलेंट देख के। आप सोच सकते हैं कि वो कितना खुश होंगे। शाबाश बेटा, हो सकता है कि पिटाई भी हो जाए। अच्छा पता है क्या, जब मैं सुबह स्कूल से आई ना तो आते के साथ ही जब मैं घर में आई तो मैंने देखा कि जो है घर पूरा फैला हुआ, हर चीज़ बिखरी हुई पड़ी हुई है। जैसे ही मैं रूम में अंदर आई मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ, मेरे इतने ज़्यादा सर में दर्द स्टार्ट हो गया क्योंकि मुझे बेतरतीबी बिल्कुल पसंद नहीं है, फैलावा बिल्कुल पसंद नहीं है। और जैसे ही मैं फैलावा घर फैलावा देखती हूँ मेरे फ़ौरन से पहले सर में दर्द हो जाता है। सो वैसे कुछ हो गया था और मेरा मूड बिला वजह, मतलब कोई ऐसी ऑथेंटिक रीज़न नहीं थी, और मेरा मूड जो है वो ख़राब हो गया था। तो अब जाके मेरा मूड रात में शाम में जाके मेरा मूड थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। आते से पूछते हैं आज आते का दिन कैसे गुजरा, क्योंकि ताहा का जो था पेपर था, ताहा का पेपर था और आते भी जो है बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे। हम ऐसा लगता है कि हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं
और ताहा जो है वो हमारा एग्जाम्स ले रहा है। बस मैंने यही दिखाना था गाइस, मैंने आपको यही दिखाना था, यहाँ यही चलता रहता है। क्या करूँ, नहीं करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, क्या क्या बंद करूँ। आज हम स्कूल से आई, मुझे बहुत ज़्यादा थकन फील हो रही थी, दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी करने का। सो मैंने जल्दी जल्दी से क्या किया, दही को मैंने प्लेन कर लिया, और इसमें दही को प्लेन करने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च कूट के और नमक डाल दिया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा जीरे का बघार लगाऊंगी, और मैंने पकाने बना लिए पकौड़े। सो मैं सोच रही हूँ आज दही फुलके बना लिया, और दही फुलके से रोटी खा ली जाए, मेरी कुछ हिम्मत नहीं हो रही कुछ खास बनाने की। तो मैं ये करूँगी कि मैं रात में कुछ अच्छा सा बना लूँगी, बट अभी दोपहर में मैं जो है फटाफट सा कुछ ऐसी क्विक रेसिपी मेरे जहन में आई है, सो मैंने सोचा मैं ये फटाफट से अभी ये बना लेती हूँ। मज़ेदार से हम दही फुलके हमारे रेडी हो चुके हैं, दही आया, हम खा रहे हैं इसको मज़ेदार से, क्या है किससे, रोटी के साथ। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।